प्रदेश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लखनऊ और कानपुर समेत यूपी के सभी जिलों में शुक्रवार की शाम को ईद का चांद नजर आया। लखनऊ से शिया चांद कमेटी ने चांद देखने के बाद शनिवार को प्रदेश भर में ईद मनाने का ऐलान किया था। ऐसे में पुलिस की ओर से पूरे प्रदेश में 2933 थानों को संवेदनशील घोषित किया गया। शनिवार को प्रदेश के 39,439 मस्जिदों और 3,865 ईदगाहों में नमाज होने वाली। त्योहार को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 3,000 जगहों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहने वाली है। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और देखिए किस तरह बाजारों में इस वक्त रौनक छाई हुई है। प्रदेश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और त्योहार को देखते हुए यहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है ईद का पर्व और ये पर्व अमन चैन सौहार्द का संदेश देता है। इसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाया जाए। तो सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है, साथ ही साथ उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस पालन करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसे मनाए। ईद का पर्व अमन चैन सौहार्द का संदेश देता है। सीएम योगी ने देशवासियों को यहां पर ईद की बधाई दी है। ईद के पर्व को अमन चैन सौहार्द का संदेश देने वाला बताया और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। आज पूरे प्रदेश में अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसके साथ ही आज परशुराम जयंती भी है। अक्षय तृतीया को अखतीज या फिर अखता तीज भी कहते हैं। ऐसे में वैदिक कैलेंडर के 4 सर्वाधिक शुभ दिनों में से ये एक मानी जाती है। आज वृंदावन में ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था। तो ईद के साथ साथ आज पूरा देश अक्षय तृतीया मना रहा है और आज ही आज परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। और आज के दिन सोना खरीदने का खास महत्व रहता है। आज बाजारों में खासा रौनक देखने को मिलती है। वृंदावन के ठाकुर जी के चरण दर्शन भी आज हो पाते हैं। तो आपको बता दें कि अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने 8 राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य को भी केंद्र ने एडवाइजरी जारी की। आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में 12 से 19 अप्रैल के बीच कोविड का पॉजिटिविटी रेट 22.30% रहा और दूसरे नंबर पर इसी दौरान लखनऊ में पॉजिटिविटी रेट 8.90% रहा और ऐसे में मेरठ झांसी गाजियाबाद में भी 6 से 7% पॉजिटिविटी रेट देखने को मिला। और आज दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे जबकि 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। वहीं केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे और साथ ही साथ बद्रीनाथ के दर्शन 27 अप्रैल से कर सकते हैं। तो देखिए दो तस्वीरें हैं आपके सामने, गंगोत्री धाम की और साथ ही साथ यमुनोत्री धाम की, और दोनों के ही कपाट आज खुलने वाले हैं। और मुहूर्त बताया जा रहा है, जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 12:35 पर आपके गंगोत्री धाम के कपाट खोलेंगे। वहीं अगर बात की जाए यमुनोत्री धाम की, तो यमुनोत्री धाम का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 12:41 का रहने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।